हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी। हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर वन हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है नॉट ओनली क्लास सिक्स में हेल्प करेगा, ये उन सभी लोगों को हेल्प करेगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ये हेल्प करने वाला है। बहुत ही आराम से, प्यार से और सिंपल तरीके से चीज़ों को समझेंगे। देखेंगे हम द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, मतलब हमारा जो सौर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, जिस सौर का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य का जो मतलब परिवार है उसमें अर्थ की पोजीशन क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना, हम पहला टॉपिक देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। हालांकि पहले वाले लेक्चर में कुछ चीज़ों को बता चुका हूँ, अब हम एक बार विधिवत रूप से दोबारा से एक बार इनको डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, जब हम रात को सोते हैं, ठीक है, रात को सोते हैं तो हमने आकाश में अपनी सारी बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। आकाश में आपको तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब घर के अंदर तो क्या दिखाई देगा, जब बाहर सोते हैं तो घर के जब दिखाई देते हैं, रात में आपने देखा होगा, रात में क्या होता है, जैसे जैसे मतलब दिन ढलता जाता है, शाम होती जाती है, तो स्काई ब्लैक होता जाता है, ब्लैक होता जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 1 2 4 लाइन लगा के फिर तारे निकलने लगते हैं। और वो तारे क्या करते हैं, स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल ट्विंकल करना स्टार्ट करें, मतलब टिमटिमाना स्टार्ट करते हैं, और फिर देखो कितना खूबसूरत नज़ारा बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप, तो खैर बहुत कम लोग तो मतलब घरों में कैद हो जाते हैं आजकल, तो देख ही नहीं पाते। ठीक है, घर के ऊपर छत है, आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, मगर गाँव में या फिर आप छत के ऊपर रात को जाके देखोगे तो ये जो दृश्य है बहुत सुहावना लगता है। ठीक है, अब तो वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पर ही हैं, तो रात को एक बार निहारना आकाश को, कितना प्यारा लगेगा, कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो सेलेस्टियल बॉडीज, तो ध्यान रखना रात में स्काई में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, स्पेस में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, वो चाहे प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई में हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हाँ क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और जितने भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें ऊपर हमें दिखाई दे रही है स्काई में, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सन एंड प्लैनेट्स विच साइन इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज। ठीक है, तो यही है सेम चीज़ें, सन के साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रात में स्काई में साइन करते हैं, साइन मतलब चमकते हैं, वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं, और इनको हम हेवनली बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, मतलब गर्म होती हैं, और कुछ गैस से भी बनी हुई होती हैं, गैसों की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा सोलर सिस्टम, ध्यान देना सोलर सिस्टम बड़ा बार बार आएगा। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, सोलर सिस्टम का मतलब हमारा सन, और सन के आसपास चारों तरफ क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, तो सूर्य और उसके साथ साथ जो अपने प्लैनेट्स हैं और जितने भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें मिलके क्या कहलाती है, सोलर सिस्टम कहलाती है, या इसको हम बोलते हैं सोलर फैमिली। इस सोलर फैमिली का जो मुखिया है, हेड कौन है, सन है, और सन के आसपास चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे अब सन के आसपास हम देखें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सन प्लस प्लैनेट्स और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो सन के आसपास हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स। आज की डेट में आपको पता है 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा है। ठीक है, तो प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट बन गया, तो 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट मैंने ये बताए थे, ये सारे के सारे 8 प्लैनेट हैं। अगर कोई पूछ ले कौन कौन से हैं तो इनको बता देना आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये प्रेजेंटली 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, प्लस नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सोलर फैमिली कहलाती हैं। सोलर फैमिली में कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सो सन के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ध्यान रखना रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब है किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना, जैसे मान लो बीच में तो हो गया सन, तो सन के चारों तरफ ये ऐसे ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, ऑर्बिट्स का मतलब है कक्ष बने हुए हैं, और इन कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, कौन चक्कर लगाते रहते हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब बीच में सूर्यदेव हो गए और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये प्लैनेट्स। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और हमारे ब्रह्मांड में कोई
मतलब लाखों मतलब क्या है गैलेक्सीज हैं। देखो हम इस पूरे जगत को बोलते हैं ब्रह्मांड, आपने सुना होगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूरा जगत जितना भी। इस ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज हैं, कई सारी गैलेक्सीज हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और जिसका दूसरा नाम है आकाशगंगा। और मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, ध्यान देना, और एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक स्टार होता है, चमकीला स्टार होता है। हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन, और सन के चारों तरफ आपको पता है कई सारे प्लैनेट्स हैं। हमारा प्लैनेट अर्थ है और अर्थ पर हम रहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम किस पर रहते हैं, हम जैसे मान लो ये मान लो मैं हूँ, मैं रहता हूँ प्लेनेट पे, प्लेनेट का नाम अर्थ। प्लेनेट किसके अंदर आता है, सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है, गैलेक्सी के अंदर। और गैलेक्सी किसके अंदर आती है, यूनिवर्स के अंदर आती है, ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसका किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो आपको बताना है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। और ब्रह्मांड में, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में लाखों मिलियंस को मतलब लाखों गैलेक्सी विद्यमान है, ठीक है, प्रेजेंट है। सन जो है हमारी पृथ्वी से लगभग लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। हमारी पृथ्वी से अगर सन की दूरी निकालें तो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। ध्यान रखना, एक मिलियन का मतलब होता है, आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है एक मिलियन। तो मतलब 150 मिलियन, सोचो इतने लाख किलोमीटर है हमारी पृथ्वी सूर्य से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सन से सबसे नज़दीक कौन है, तो सन से सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वीनस, और तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पर आता है, जो सन के पास है। फिर इसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है आज की डेट में ये ड्वार्फ प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं रहा है, ठीक है। और सैटर्न के चारों तरफ यहाँ रिंग्स दिखाई देती है, और सबसे बड़ा जो अपना प्लेनेट है वो है जुपिटर, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है किस प्लेनेट के अराउंड एक रिंग सी दिखाई देती है, तो ये है सैटर्न, सनी, ओके। यहाँ पर और देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे सन, सन के पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट पाई जाती है। इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना ध्यान रखना। और फिर यहाँ पर देखो नेपच्यून से आगे, ये प्लूटो तो अब ड्वार प्लेनेट है, छोटा है, प्लूटो से भी आगे यहाँ पर भी एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं कूपियर बेल्ट, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कूपियर बेल्ट कहाँ, तो आपको बताना है प्लूटो से आगे। और एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अब देखेंगे हम स्टार्स के बारे में, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स ध्यान दो, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है उसको स्टार बोलते हैं, ध्यान रखना। स्टार वो होते हैं जिनमें से एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है। अब आप बताओ सुबह से शाम तक हम किससे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, हीट प्राप्त कर रहे हैं, आपको पता होगा सूर्य से, ठीक है। तो सुबह होते ही आपने देखा होगा हीट बढ़ती जाती है, दोपहर तक तो एकदम चमकीला हो जाता है हमारा जो सन है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज, अब देखो सन भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज जिसमें खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो उसको हम स्टार बोलते हैं। स्टार गर्म होते हैं और साइज में बहुत बड़े होते हैं, और हमें दूर से वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है। हम सूर्य को देखेंगे, यहां से अपनी आंखों से देखते हैं तो सूर्य बहुत छोटा सा दिखाई देता है, मगर ये छोटा नहीं है। सोलर सिस्टम है, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सब किसके अराउंड घूम रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे सन के अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो खास बात क्या है, खास बात आप ध्यान रखना कि स्टार कौन से होते हैं, स्टार वो होते हैं जिनकी खुद की हीट होती है और साथ के साथ में लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और पुराने ज़माने में ध्यान दो, पुराने एंशियंट टाइम का मतलब पुराने टाइम पर जो लोगबाग होते थे वो क्या करते थे, इन स्टार्स की मदद से रात में अपनी डायरेक्शन को निर्धारित कर देते थे। जैसे आपने एक सुना होगा उत्तरी तारा, ठीक है, ध्रुव तारे के नाम से जो फेमस है पोलर स्टार। तो पोलर स्टार की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ में रहती है और उसकी पोजिशन फिक्स है, तो पोलर स्टार को देखकर लोगबाग क्या करते थे, अपना रास्ता तय करते थे, ठीक है। तो इन नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट्स द नॉर्थ स्टार, सॉरी मैं वही नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसको ध्रुव तारा के नाम से ज़्यादा फेमस है, हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा किसको बोलते हैं, पोल स्टार को बोलते हैं, जिसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। तो नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसको पोल स्टार भी कहते हैं, और ये हमेशा एक ही पोजिशन पर बना रहता है हमारे स्काई में, ठीक है। तो ध्रुव तारे की मदद से हम सप्तर्षि मंडल की पोजिशन भी बता सकते हैं। आपने देखा होगा रात में एक मतलब तारों का समूह दिखाई देता है, सात तारों का समूह दिखाई देता है,
उस सात तारों के समूह को बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। यहाँ पे देखो गिन सकते हो आप सप्तऋषि मंडल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आप देखो ये दो बिल्कुल एक ही लाइन में, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चमकीला तारा दिखाई देगा, उसी चमकीले तारे को बोलते हैं नॉर्थ स्टार। और यहाँ पर तीन स्टार भी ऐसे मतलब सीरीज में दिखाई देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो स्टार दिखाई दे रहा है चमकीला, ये है नॉर्थ स्टार। ठीक है, तो रात में आप देखने की कोशिश करना, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप देख पाओ, आपका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको ऐसे देखना है, इधर बैक जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सप्तऋषि मंडल है जिसको बिग डिपर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे पोल स्टार है और यहाँ पर ये कई सारे तारों का समूह दे रखा है, इसको बोलते हैं लिटल डिपर। ठीक है, तो सप्तऋषि मंडल हमने देख लिया। अच्छा, अब एक वर्ड आ गया कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेलेशंस का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार, ये एक मतलब कॉन्स्टेलेशन है। और ऊपर यहाँ पर भी एक कॉन्स्टेलेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज पैटर्न्स आर कॉन्स्टेलेशंस। मतलब कई सारे स्टार्स के द्वारा, कई सारे जो स्टार्स होते हैं वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न से दिखाई देते हैं, हम देखेंगे। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। और कुछ कॉन्स्टेलेशंस में जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं उर्सा मेजर, या इसको बिग बियर के नाम से जानते हैं, दूसरा सप्तऋषि लिटिल बियर के नाम से जानते हैं। ये जो है ये सप्तऋषि मंडल, ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है, लिटिल बियर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, और सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार, सप्तऋषि सात स्टार्स का एक समूह है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और ये बिग बियर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बिग बियर। यहां पे देखो, यहां पर ये भालू सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, और भालू से में आपको पता है हमारा क्या आता है? सप्तऋषि मंडल आता है। ठीक है, यहां पर ये है लिटिल बियर। ठीक है, ऊपर भी एक मतलब पैटर्न जो देखोगे तो ये भी भालू की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको बिग बियर बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटिल बियर। ठीक है, और पुराने टाइम पर ये भी मैंने पहले ही बता दी कि लोग बाग जो होते थे लोकेशन का पता लगाते थे पोल स्टार की सहायता से, नॉर्थ जो नॉर्थ स्टार की सहायता से लोकेशन का पता लगाते थे और अपनी मतलब रास्ता मतलब ट्रेवल करते थे। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो स्टार है उसका नाम है जुपिटर, मैंने अभी बताया था। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो स्टार है वो है जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर कौन से नंबर पर आता है? देखो 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर जुपिटर आता है, तो सबसे बड़ा स्टार है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है हमारा सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और प्लूटो जो है वो 9th प्लेनेट था, मगर आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्वार्फ प्लेनेट। तो यहां पे बहुत छोटा है, देखो साइज में भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। और प्लूटो से आगे जो एक बेल्ट दिखाई देती है, हम उसको बोलते हैं कूपियर बेल्ट। क्या बोलते हैं? कूपियर बेल्ट। ठीक है, अब हम सोलर सिस्टम की एक एक करके मतलब जो भी दे रखा है चीज़ों को आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, सोलर में सोलर का मतलब होता है सन। जब भी आप शब्द ये सुनो सोलर सुनो, तो सोलर मतलब आए आप जब भी आप सुनो तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है? सन, जिसका मतलब सूर्य होता है। सोल को रोमन माइथोलॉजी में जो रोमन लोग हैं, रोमन लोग सोल का मतलब क्या मानते हैं? सन गॉड। सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी में क्या होता है? सन गॉड होता है। तो सन प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज ये क्या करते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं, सोलर फैमिली बनाते हैं। तो सोलर फैमिली के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? सन होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सोलर सिस्टम का जो हेड होता है, मुखिया जो होता है, वो होता है सन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोलर सिस्टम है, कई बार मैंने दिखा दिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए ढंग से। और सोलर सिस्टम में सन के बारे में देखेंगे अब हम। ठीक है, सूर्य के बारे में देखेंगे। तो ध्यान रखना है, सोलर सिस्टम में हमारा जो सोलर फैमिली है उसमें बिल्कुल सेंटर में सूर्यदेव आते हैं, और सूर्य के चारों तरफ आपको पता है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सन जो है, अब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या जो हमारी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का जो सोर्स है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको जो हीट और लाइट मिलती है वो मिलती है सूर्य से मिलती है। ठीक है, सन बाइंड्स द एंटायर सोलर सिस्टम। जो हमारा सूर्य है ये सारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स को क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है, अपने से बांध के रखता है। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है सन और प्लैनेट्स के बीच में, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे सूर्य से बंधे हुए हैं और सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर सूर्य से अलग चले गए तो फिर तो कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों का बना होता है, बहुत ही एक तरह से आग का गोला है, सन में बहुत ही ज्यादा हीट है। ठीक है,
और सन का जो आउटर वाली लेयर है, जैसे मान लो सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव की आउटर वाली लेयर है ना, उस आउटर वाली लेयर को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, आज की डेट में आप जो कोरोना मतलब सुना है ना आपने, कोरोना वायरस, तो वो जो कैसा दिखाई देता है, सन की जो आउटर स्पेयर है ये कैसी है, इस आउटर स्पेयर को, आउटर जो बाहरी परत है, सन की बाहरी जो परत है, इसको कोरोना बोलते हैं, और इसी के नाम पर एक वायरस जो आजकल चल रहा है उसका नाम रखा है कोरोना वायरस। ठीक है, ओके। तो सन के बारे में ये चीज़ हमने देखी, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना होता है, और मगर इस गर्मी को हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सन से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। और आपको पता है सन और हमारे बीच में कितनी दूरी है, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है हमारी और सन के बीच में, जिसकी वजह से इतनी गर्मी हमें महसूस नहीं हो पाती। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो अब एक दो चीज़ आप ध्यान रखो, प्लैनेट, अब ये वर्ड बार बार आएगा, प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, प्लैनेट्स देखो, प्लैनेट्स का मतलब सिंपल सा आप याद रखना, प्लैनेट्स को हम बोलते हैं ग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। एक प्लैनेट वर्ड आएगा और दूसरा आएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, क्या बोलेंगे इसको, उपग्रह। अब इन दो वर्डों में आप अंतर समझ लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, प्लैनेट और उपग्रह। देखो, आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है, सन। तो सन के चारों तरफ आपको पता है ये आठ प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एट प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो बीच में क्या हो गया, सन। तो सन के चारों तरफ जो चीज़ चक्कर लगा रही है, सन के चारों तरफ जो चीज़ चक्कर लगा रही है, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, ये कोई प्लैनेट है, अरे प्लेनेट तो मैं बता ही रहा हूँ, तो ये जो कोई सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लेनेट। ठीक है, तो बीच में सन हो गया, सन के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है वो चीज़ प्लेनेट कहलाता है। और अगर कोई चीज़, जैसे मान लो यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, अगर कोई चीज़ पृथ्वी के चारों तरफ या किसी सॉरी किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए, ध्यान दो, अगर कोई चीज़ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसको तो हम बोलेंगे प्लेनेट। क्या बोलेंगे, प्लेनेट। अगर कोई चीज सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको तो हम बोलते हैं प्लेनेट। और अगर कोई चीज, ये मान लो प्लेनेट है, अगर कोई चीज प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए, अगर कोई चीज प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए, जैसे या मान लो ये कोई चीज है प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे आपको पता है तीसरे नंबर पर यहां पर आता है अपनी पृथ्वी, अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ आपको पता है कौन चक्कर लगाता है, मून चक्कर लगाता है। तो जो अगर कोई चीज प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो तो कहलाती है सैटेलाइट, और अगर सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनेट। आई होप ये समझ में आया होगा, मैं दोबारा बताता हूं, अगर कोई चीज सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये कोई चीज है, तो वो चीज तो कहलाएगी प्लेनेट, और अगर कोई चीज प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ठीक है, तो द सेलेस्टियल बॉडीज, अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, द सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ध्यान देना, स्टार और प्लैनेट में सबसे बड़ा अंतर क्या है, स्टार्स में खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, मगर प्लैनेट्स वे होते हैं जिसमें खुद की ना तो हीट होती है ना ही लाइट होती है, उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। और जो प्लैनेट वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया जिसका नाम है प्लैनेटाई। ठीक है, या प्लेनेटाई, जो भी कुछ भी बोले आप, तो जो प्लेनेट शब्द है ये कहाँ से निकल गया है, ग्रीक वर्ड से निकल गया, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, प्लेनेटाई, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर्स मतलब चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले। तो आपको पता है प्लेनेट्स चक्कर लगाते हैं किसके तरफ, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हमारे जो प्लेनेट्स हैं, आठ जो प्लेनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही कितने सारे सन होंगे हमारे जो गैलेक्सीज हैं, तो उनके चारों तरफ भी कुछ चक्कर लगा रहे होंगे। तो जो भी प्लेनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या लगा, जो भी प्लेनेट्स होते हैं वो किसी ना किसी एक स्टार के अराउंड में क्या करेंगे, रिवॉल्व करते हैं। तो आठ प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिनका नाम आपको पता ही है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सन हो गया, और सन के चारों तरफ ये जो लाइन सी दिखा रखी हैं ये हैं ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं हमारे प्लेनेट्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, तो ये आठ प्लेनेट हैं और ये चक्कर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट आपको पता है जुपिटर ने, और सैटर्न के अराउंड में एक रिंग पाई जाती है, और पृथ्वी के पास कौन सा है, पृथ्वी के पास है एक तो वीनस और दूसरा है मार्स। ठीक है, पृथ्वी की सिस्टर भी बोलते हैं किसको, वीनस को, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, प्लेनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इनके चक्कर लगाने का जो पाथ होता है वो फिक्स्ड पाथ होता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये मार्स है, तो मार्स इसी वाली पाथ में चक्कर लगाएगा, घूम के यहाँ नहीं आ सकता। तो पाथ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और ये पाथ जो है इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ये जो पाथ होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड मतलब कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। एक तो था सर्कल, ये सर्कल हो गया, इलोंगेटेड मतलब ऐसे पाथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलोंगेटेड पाथ में चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं इलोंगेटेड पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो ध्यान देना, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं,
प्लैनेट्स को जो हीट और लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अच्छा ध्यान देना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके अराउंड में रिंग पाई जाती है, और ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो रिंग होती है, बेल्ट होती है, इसको ये स्मॉल डेब्रिस, इसको देखो एक इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है डेबरी, ठीक है। तो स्मॉल डेबरी, डेबरी का मतलब जो मतलब कचरा या कुछ मान सकते हो जो प्लैनेट्स के अराउंड में होता है उसको बोलते हैं डेबरी, ठीक है, स्पेस में। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती हैं, और वो रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि ये स्पेस डिब्री है, ठीक है। अगर आपको प्लैनेट्स को क्रम से याद रखना है कि भाई सन के सबसे पहले कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो उसमें एनसीईआरटी ने बहुत प्यारी ट्रिक दे रखी है जिसका नाम है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। ये याद रख लो लाइन बस, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है उसको आपको याद रखना है, पहला जो लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एम है, एम का मतलब मरकरी, वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब नेपच्यून। तो सन से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? मरकरी, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ। तो इस वाली ट्रिक को माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स, इसको याद रख के आप बता सकते हो कि सन से सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट में कौन है। तो सबसे पहले मरकरी है, सबसे लास्ट में नेपच्यून है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, पाँचवें नंबर पर जुपिटर आता है, दूसरे नंबर पर वीनस आता है, फोर्थ नंबर पर मार्स आता है, सेवन नंबर पर यूरेनस आता है। और खास बात ये फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, याद रखनी है, जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। प्लूटो से भी आगे एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं कूपियर बेल्ट, ठीक है। नोट एक चीज याद रखनी है, 2006 तक प्लूटो था उसको प्लैनेट मानते थे, आपको पता है पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे 2006 तक, मगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अब प्लूटो को बता दिया है ड्वार्फ प्लैनेट। इन्होंने बोल दिया कि अब प्लूटो जो है ये प्लैनेट नहीं है और इसको कैटेगरी में डाल दिया ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना ग्रह, छोटा ग्रह, छोटा जो ग्रह होता है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अब प्लूटो क्या बन गया है? प्लूटो बन गया ड्वार्फ प्लैनेट। कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जैसे सिरिस, प्लूटो, होनमिया, मेक, एरेस, ये ड्वार्फ प्लैनेट हैं और ये आपके प्लैनेट हैं, ठीक है, सन के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हो सन के नज़दीक में सारे प्लैनेट्स दिखा रखे हैं और ये छोटे छोटे से जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स बड़े होते हैं, ड्वार्फ मतलब छोटे, बौने छोटे होते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं, पृथ्वी ध्यान रखना, अर्थ जो है हमारा थर्ड तीसरे नंबर पे आता है सन से, ध्यान देखा था माई वेरी एफिशिएंट, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आता है सन से, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, तो सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, और तीसरे नंबर पर जो पाँचवें नंबर पर जो आता है, पाँचवें नंबर पर अगर क्रम से देखें कौन सा बड़ा प्लेनेट है, तो पाँचवें नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी आती है, ठीक है। पृथ्वी जो है, अब आप पृथ्वी हम आगे जाके देखेंगे, बहुत ज़्यादा पृथ्वी के बारे में जानेंगे, अभी तो मज़ा आएगा आपको देखना। तो पृथ्वी जो है पोल साइड में, तो यहाँ पर आपको पता है पृथ्वी में क्या है, पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। पोल पर ये फ्लैट है, कैसी है? फ्लैट है, पोल की तरफ फ्लैट है, और इसीलिए इसका जो शेप है वो जियोड शेप है। जियोड शेप मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लैट दिखेगा और बाकी मतलब सर्कुलर सा दिखेगा, ठीक है। तो पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड शेप है, जियोड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हो गए, ध्यान रखना, और ये इनके पाथ हो गए, सैटर्न के अराउंड में रिंग है, ये इसको बार बार देखते रहना ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। और कई सारे डायग्राम मैंने दिखाए हैं यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फुल मून नाइट जो होती है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, जब पूरा चाँद दिखाई देता है तो उस दिन आप देखना क्या चाँदनी रात होती है, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं पूर्णिमा। और जब नया मून स्टार्ट होता है, पहला मून स्टार्ट होता है, हल्का सा ऐसा दिखेगा, उसको अमावस्या बोलते हैं, उस दिन काली रात होती है भयंकर वाली। और आपकी क्वेश्चन बनता है कि दिन में हम मतलब तारों को क्यों नहीं देख पाते, दिन में तारों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि दिन में तारों से भी ज़्यादा चमकता है कौन? हमारा सूर्य। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की चमक इतनी होती है कि जिसकी वजह से तारे हमें क्या है, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो और हमारे जो नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, यहाँ से आप सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं अब आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे ही चैप्टर फिनिश होंगे तो आपको सारे एनसीईआरटी के नोट्स विद क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आपको चैप्टर का नाम डाल के सर्च करना है और आपको चीजें मिल जाएंगी। कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं उसके लिए यहां पर एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।